हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को आग से बचाने के लिए विभाग ने वॉलंटियर्स की सेवाएं लेनी आरंभ कर दी हैं, जो विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर सहयोग करेंगे। वन खेल एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि अब तक करीब 25,000 स्वयंसेवी बना दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति फार्म भरकर स्वयंसेवी बन सकता है। इसके अलावा वन परिक्षेत्र स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को जंगलों में आग लगने से वन संपदा व वन्य जीवों को होने वाले नुकसान से अवगत करवाया जा सके। मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि वनों में आग लगने की सूरत में आग की सूचना मंत्रालय तक तुरंत पहुंचे, ऐसी मैसेजिंग व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, अगर कहीं वनों में आगजनी के मामले में विभाग की ओर से कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को भी गंभीरता से लिया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली संस्था से काम वापस लेने के बाद पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे लगाए समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस ऐसे वाहनों का चालान कर रही है, हालांकि नए वाहनों को संबंधित वाहन विक्रेता नंबर प्लेट बना कर दे रहे हैं। मंत्री ने इस बारे बताया कि ये मामला ध्यान में आया है, जिस पर जरूर सरकार कोई कदम उठाएगी ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। अपनी मांगों को लेकर जेबीटी संघ सड़कों पर उतरे और एक रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम ऊना को एक ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है कि हिमाचल प्रदेश जेबीटी बेरोजगार संघ एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक तथा बीएड को जेबीटी के पदों पर नियुक्त के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कुछ बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को अस्थायी रूप से जेबीटी के पदों पर आवेदन करने का विरोध करता है। निर्णय लेने से पहले हमारी भी विशेष बातों पर गौर किया जाए। एक जेबीटी प्रशिक्षु द्वारा प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक बीएड प्रशिक्षु द्वारा किन्हीं दो विषयों को पढ़ाया जाता है। जेबीटी और बीएड के पक्षियों के पाठ्यक्रम में काफी अंतर है। जेबीटी प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और बीएड शिक्षकों की योग्यता स्नातक की डिग्री रखी गई है। योग्यता में भी काफी अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आधी भर्ती पहले ही बैच वाइज करवाई जा चुकी है। शेष पदों पर कमीशन 12 मई 2019 को हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाया जा चुका है, जिसमें लगभग 6000 जेबीटी टेट पास और लगभग 28,000 व 3,000 के बीच बीएड डिग्री धारकों ने जेबीटी कमीशन की परीक्षा दी और राज्य सरकार के आरएनपी नियमों में भी बीएड वालों के लिए जेबीटी में फिलहाल कोई स्थान नहीं है। ऐसे में भर्ती के बीच में इन नियमों को तोड़ना भी न्याय संगत नहीं होगा। साथ ही बीएड के प्रशिक्षु अभी तक जेबीटी टेट पास नहीं है और ना ही जेबीटी टेट के लिए बीएड कोई योग्यता है। ऐसे में अगर इन्हें जेबीटी कमीशन में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है तो ये टेट पास जेबीटी अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। एनसीटीई के 28 जून 2018 के अधिसूचना के अनुसार ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी बाध्य नहीं कर सकती। ये नियम उन राज्यों की दुर्दशा देखकर बनाए गए थे जिन राज्यों में जेबीटी प्रशिक्षुओं की संख्या कम थी। वहाँ प्राथमिक अध्यापकों की मांग अधिक थी, जबकि हमारे प्रदेश की स्थिति इस प्रकार से नहीं है। वर्तमान में राज्य में 18,000 से 20,000 जेबीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षित हैं। अब इसमें राज्य सरकार को भी विचार करना होगा कि ऐसे में क्या बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी के साथ टेट व कमीशन में बैठने देना न्याय संगत है या नहीं। लाखों की तादाद में बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी के कमीशन में बैठने का मौका देने का मतलब है जेबीटी प्रशिक्षुओं का हक छीनना। जेबीटी प्रशिक्षुओं को अलग से 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि बीएड प्रशिक्षुओं को अलग से। ऐसे में अगर बीएड प्रशिक्षुओं के समान अधिकार प्राप्त होते हैं तो सरकार द्वारा जेबीटी प्रशिक्षुओं को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। वही एसडीएम
ऊना के माने तो जेबीटी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है। उन्होंने अपनी कुछ मांगों का ज्ञापन हिमाचल सरकार को हमारे माध्यम से भेजा है, जिसको हमने आगे भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक गांव में एक तेंदुए के घुस आने से दहशत फैल गई है। तेंदुए ने कई पशुओं को अपना शिकार बनाया, लेकिन गनीमत ये रही कि वन विभाग ने बेहोश कर तेंदुए को पकड़ लिया है, जिसमें गांव के लोगों ने भी काफी सहयोग किया। इससे पहले तेंदुआ गांव के आसपास पेड़ों पर चढ़ा रहा, जिसके कारण गांव वालों में काफी डर का माहौल रहा। हालांकि पकड़े जाने से पहले लगी एक चोट के कारण तेंदुए की मौत हो गई। विभाग ने किसी गहरे जख्म के कारण तेंदुए की मौत की आशंका व्यक्त की है। वहीं वन विभाग ने पोस्टमार्टम कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।